नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है कैलाश मोरवाल और आज के इस वीडियो में आपको देने वाला एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बुक की समरी देने वाला हूँ। उसके प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उस बुक के प्रिंसिपल आपको आपके सोसाइटी में रिस्पेक्ट और गेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ही मदद करेंगे। उस बुक के कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो आपके डेली लाइफ को एकदम ही चेंज कर देंगे, आपकी सोसाइटी में आपके नाम को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। उसे बहुत ही कमाल की बुक है। इस बुक की समरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक को लिखा गया है ऑथर द्वारा, जिसका नाम है डेल कार्नेगी। उसे बहुत ही बढ़िया ऑथर है। इन्होंने इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल हमें बताया है और इस बुक में इतना डीपली उन्होंने बताया कि आप कैसे सोसाइटी में रहकर अपना नाम रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। दूसरे इस बुक के कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो आपके डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको इस बुक के सारे प्रिंसिपल में बताने वाला हूँ। इस बुक के तीन ऐसे मेन प्रिंसिपल है जो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ में बताने वाला हूँ और टोटली मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि कैसे इस प्रिंसिपल आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस बुक को जरूर पढ़िएगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस बुक का फर्स्ट प्रिंसिपल है appreciate people, मतलब कि आप लोगों को हमेशा उनके काम के लिए थैंक्स बोलिए। ऑलवेज appreciate कीजिए कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो ऑलवेज उन्हें थैंक्स दीजिए, appreciate कीजिए। दोस्तों आप कभी भी किसी को appreciate करेंगे तो वो हमेशा अच्छा फील करेगा। दोस्तों लोगों को क्या चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ कोई appreciate करने के लिए चाहिए होता है। आप लोगों को appreciate करेंगे तो आपकी उनके नजरों में रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट ऊपर हो जाएगी। लोगों को आजकल सिर्फ क्या चाहिए, हेल्थ एंड नीड स्लीप एंड मनी। लोगों को सिर्फ इसी चीज की जरूरत होती है, कोई उन्हें आके अप्रिशिएट करे वो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इवन छोटे छोटे काम के लिए आपको उन्हें अप्रिशिएट करना जरूरी है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके मन में आपके लिए एक इच्छा, एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत मेन प्रिंसिपल है कि लोगों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने की वजह से बहुत इफेक्ट होता है। दोस्तों मैं इसको आप एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। दोस्तों आपने हैंकॉक मूवी तो जरूर देखा होगा, हॉलीवुड का। दोस्तों उसमें जो हैंकॉक होता है सुपर हीरो, वो कभी लाइफ में किसी की थैंक्स नहीं बोलता, किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। बट उसका जो फ्रेंड होता है वो उसे समझाता है कि अगर तुम्हें लोगों के बीच में अगर रिस्पेक्ट डेवलप करना है, आपको अगर उसके किसी के बीच में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो लोगों को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करो। तो उन्हें जब वो एक फाइट में जाता है सोल्जर के साथ में, तो उन्हें स्पेशली कहा जाता है कि जिसके साथ में आप जा रहे हो वो जैसा भी काम करेंगे उन्हें अप्रिशिएट करो, यानी कि गुड वर्क, आपने अच्छा काम किया करके ऐसे कहो, तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो दोस्तों आपने जरूर देखा होगा कि कैसे हैंकॉक स्टार्ट करता है लोगों को अप्रिशिएट करना और जिसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट लोगों में बढ़ने लगती है। साथ ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस की पिक्चर भी देखी होगी। उसमें मुन्ना भाई जो होते हैं वो हॉस्पिटल के एक बहुत ही सिंपल कर्मचारी को एक जादू की झप्पी करके देते हैं, जिसमें वो पर्सन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसका मुन्ना भाई के प्रति एकदम रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। दोस्तों ऐसे तो एक सिर्फ मूवी का सीन था, बट इसमें एक कमाल की बात छुपी थी कि ये रियल, एकदम रियली ऐसी थिंग थी जो आपको लोगों के नजरों में ऊपर उठा देती है। दोस्तों तो इसका ये फर्स्ट प्रिंसिपल था कि ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल। लोगों को हमेशा वही चाहिए कि कोई आके उन्हें अप्रिशिएट करे, उनके छोटे छोटे बड़े और छोटे छोटे काम के लिए, इवन वो काम बड़ा हो छोटा हो, ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल, ताकि आपकी रिस्पेक्ट लोगों के बीच में बढ़ सके। दोस्तों लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उन्हें नाम से बुलाए। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी किसी को भी अप्रिशिएट करें तो सबसे पहले उसका नाम ऑलवेज रिमेंबर रखें। आप अगर किसी को भी उसके नाम से बुलाएंगे ना तो उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, उनकी जो स्पेशलिटी है लोगों के बीच में बढ़ जाती है। ऑलवेज रिमेंबर द नेम, जिनके साथ भी आप मिलते हो, जहाँ से भी मिलते हो, उनका नाम हमेशा आप याद रखिए। उसका बहुत बड़ा फायदा होगा कि जब भी आप उन्हें एड्रेस करेंगे उनके नाम से, तो उन्हें ऐसा फील होगा जैसे वो एक स्पेशल पर्सन है। तो ऑलवेज उन्हें उनके नाम को ऑलवेज रिमेंबर रखिए, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों आप जिसी से भी मिलेंगे उनके नाम को ऑलवेज रिमेंबर रखिए, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल था जो मैं आपको बताया। दूसरा मैं बता दोस्तों कि कैसे आप लोगों को, सेकंड प्रिंसिपल है उनका, कैसे आप लोगों को उनकी ही क्वालिटीज बता के आप उन्हें जीत सकते हो। दोस्तों इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक सेकंड प्रिंसिपल जो मैं बता रहा हूँ, हिंदी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेकंड प्रिंसिपल इस बुक का, कि लोगों को उनकी क्वालिटी को समझा कर, उनकी जो स्पेशलिटी, उनके इंटरेस्ट को बता के, उनके फायदों को बता के आप उन्हें जीत सकते हो। दोस्तों उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जो इस बुक की जो ऑथर है डेन कार्नेगी, उन्होंने एक होटल में एक मीटिंग रखी थी। ऑलवेज वो हमेशा मीटिंग रखते थे। उन्होंने जब मीटिंग रखी थी उनकी, तो उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया था, काफी रिच लोगों को बुलाया था। बट सडनली क्या हुआ, आने उनकी जो मीटिंग सेटल हो गई, अपॉइंटमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, उन्होंने जो टिकट है सारे सोल्ड आउट कर दिए। बस नेक्स्ट मीटिंग के पहले ही जो होटल का मालिक था उन्होंने उसके रेट 50% एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, मतलब डबल कर दिए।
दोस्तों ये बात उन्हें पता चली तो बहुत दुख लगा, बट उनकी ऑलरेडी जो टिकट थे वो काफी सोल हो गए थे, उन्हें उस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई, बट उनके जो आने वाले लेक्चर्स के लिए जो उनकी जो फीस बढ़ चुकी थी उस बात को लेकर उन्हें चिंता थी दोस्तों। तो उनमें जो राइटर थे उन्होंने इस बात को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं ली, जाके डायरेक्ट जो मैनेजर थे होटल के मैनेजर उनसे बात की जाके कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उनसे जाके आर्ग्यूमेंट नहीं किया, झगड़ा नहीं किया कि आपने सडनली इतने रेट कैसे बढ़ा दिए, मैं यहाँ पे हमेशा लेक्चर्स लेता हूँ, काफी सारे आपके यहाँ पे लोग आते हैं। तो उन्होंने उनके इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। तो उन्होंने सिंपली उनके सामने बता कि सर आपने जो किया है अच्छा किया है, वो आपके हद में है, आपको ये करना चाहिए, अदरवाइज आपका होटल कैसे चलेगा। बट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपके इस करने से क्या फायदा होगा और क्या लॉस होगा। सबसे पहली बात तो कि आपने जो रेट बढ़ाया है उसमें आपका जो ऑडिटोरियम जो हॉल है वो तो खाली हो जाएगा, और दूसरा होगा कि लोगों के लिए आप उस जगह को रेंट पे दे सकते हो। बट आपका नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि जो अब तक जो मुझसे आप जो फायदा लेते थे मेरे लेक्चर्स के लिए, जितना फायदा आपको मिलता था वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता आपके काफी रेट से। और दूसरी बात, जो जितने मेरे लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन लोग आते हैं, आप अगर 10,000 की 1,000 की एडवर्टाइज भी करेंगे तो इतने रिच और टैलेंटेड एजुकेटेड पीपल नहीं आएंगे दोस्तों। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उनको समझ में आया। सडनली मैनेजर को ट्रिक हुआ और नेक्स्ट डे उन्होंने लेटर भेजा लेखक को कि कैसे भी करके उन्होंने उनके रेट डायरेक्टली ऑफिस डिक्रीज कर दिए, इंस्टेड ऑफ 50% 20% बढ़ाया। तो दोस्तों इसमें लेखक ने उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ उन्हें उतना बताया कि कहाँ उनका नुकसान है कहाँ उनका फायदा है। तो सिर्फ इतने से ही बात से, अगर नॉर्मल पर्सन होता तो जरूर झगड़ा करता, बट जो लेखक थे उन्होंने माइंडली बहुत ही एक्यूरेटली उन्हें समझाया कि उनका फायदा कहाँ है और उनका नुकसान कहाँ है। दोस्तों इससे सीधा मैनेजर के माइंड पे इफेक्ट हुआ, उन्होंने डेफिनेटली एक्शन लिया कि उनका नुकसान कहाँ हो रहा है। दोस्तों ये एक तरीका था जिसमें सेकंड प्रिंसिपल है कि कैसे आप लोगों को बता सकते हो। दोस्तों इससे दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था कि वो अगर उन्हें धमकाए, गाली दे या किसी उनके सर पर गन रखे, लेकिन ऑब्वियसली वो दैट विल नॉट अ गुड वे, बट उन्होंने एकदम एक्यूरेट तरीके से उनके फायदे के बारे में बता के उन्हें जीत लिया। दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं, थर्ड प्रिंसिपल इस बुक का है कि लोगों को हमेशा उनके नाम से एड्रेस करना जरूर और उन्हें जरूर अप्रिशिएट करें। प्रिंसिपल वो बहुत ही कमाल का है, मैंने अभी अभी रिसेंटली उसके बारे में बात की। बी जनरली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, इसका मतलब होता है कि आपको लोगों को इंटरेस्ट को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जब भी लोगों से मिले तो उन्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं बताया कि अपनी स्पेशलिटी क्या, उन्हें उनकी जो स्पेशलिटी है उनकी जो इंटरेस्ट है उनके बारे में बात करें। इससे क्या होगा कि वो लोग को काफ़ी अच्छा फील होगा, उनके जो मन में आपके प्रति जो रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। अगर आप उनके जो हॉबीज़ है उनकी जो इंटरेस्ट है उनके बारे में अगर बात करेंगे तो काफ़ी इफेक्ट होगा। उसे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि इसमें कैसे फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लोगों को उनको इंटरेस्ट से लेके बात करेंगे तो इसमें कैसे उनके फायदे के लेके बात हो सकती है मैं आपको बता। क्या होता है, एक बार जो राइटर है अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर एक कंपनी खोलने की सोचते हैं, उससे उस कंपनी के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रेंड्स से लगने वाली होती है, तो उन्हें बताते हैं कि कैसे हम ये कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उनका आगे वाला फ्रेंड बोलता है कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा अब मैं आपके सामने कंपनी, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि अगर ये कंपनी बनती है तो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको तो मिलेगा ही। साथ में उन्होंने बताया कि अगर इस कंपनी में हम बनाते हैं तो ये कंपनी का नाम मैं आपके नाम से रखूंगा। दोस्तों उन्होंने उसमें अपना फायदा सोचने के बजाय अगले वाले का फायदा सोचा कि क्यों नहीं इनके नाम से होने दे, क्योंकि बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी उनकी है, सब कुछ उनका है, बट प्रॉफिट तो दोनों का ही मिलने वाला है। आइडिया भले उनका हो लेकिन दोस्तों ऑलवेज हमें अगले वाले के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। दोस्तों इस बुक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में कुछ भी जानना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मुझसे जुड़ने के लिए और आने वाले मेरे नए वीडियोस के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, गुड हैव अ गुड डे।